तो राजस्थान में पिछले लंबे समय से जारी सियासी संकट लगभग थम चुका है। सचिन पायलट की भी वापसी हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये कि क्या सचिन पायलट की राहें पहले जितनी आसान रहेंगी? राजस्थान कांग्रेस में पिछले लंबे समय से जारी सियासी संकट अब लगभग सुलझ चुका है। इसमें अहम भूमिका निभाई है गांधी परिवार ने। एक महीने तक कांग्रेस के लिए चुनौती बनी सचिन पायलट कैंप को समझाने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बागी रुख अख्तियार करने वाले सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के घर वापसी भी हो गई है। लेकिन ये सब क्या इतना आसान रहा जितना नजर आ रहा है? क्या सचिन पायलट के रास्ते इतने आसान होंगे राजस्थान की राजनीति में? ये तमाम सवाल हैं लोगों के जहन में। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने से पहले जानना जरूरी है कि दोनों गुटों के बीच हो रही सुलह का फॉर्मूला क्या है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट कैंप के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेद सुलझाने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद और उस पर अमल होने पर ही निर्भर करेगा कि कांग्रेस की सियासत किस तरफ रुख करती है। हालांकि अलग बात है कि गहलोत गुट के करीब एक दर्जन विधायक बागियों को वापस लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हाईकमान के बदले रुख ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब बात सचिन पायलट की आगे की मुश्किल राह की, जो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी पद गंवाने के साथ साथ पार्टी में बेहद मुश्किल कर ली है। बागी रुख अख्तियार करने के दौरान पायलट बार बार मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करते रहे और कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद पायलट की घर वापसी हो गई, लेकिन उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में बनी रहेगी। ऐसे हालात में नहीं लगता कि पार्टी उन्हें फिलहाल राजस्थान में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपेगी। राजस्थान राजनीति के जानकार बताते हैं कि पायलट कांग्रेस में लौट तो आए हैं, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में इतना आसान नहीं है किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हटाया जाए, खासकर जाट नेता को। बगावत के बाद पायलट के लिए हालात पहले जैसे आसान नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान भी इस बात को समझ चुका है कि पायलट अति महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे में उनके हर कदम पर पार्टी की अब नजर रहेगी। लेकिन अब जब सचिन पायलट वापसी कर चुके हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट को पार्टी में अपना सफर नए सिरे से शुरू करना होगा, पार्टी के विश्वास को एक बार फिर से हासिल करना होगा और साथ ही गांधी परिवार के बीच अपनी विश्वसनीयता की डोर को फिर से मजबूत करना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें कांग्रेस सरकार को स्थिर रखने की चुनौती भी होगी। इसके साथ ही पार्टी उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी देने की सोच सकती है, लेकिन इसके लिए पायलट को लंबा इंतजार तो करना ही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।